दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो हमारे काम को बहुत आसान कर देंगी। इन टिप्स को में पहली टिप्स है मेरी ये माचिस को लेकर, दूसरी टिप्स है मेरी ये टेप्स को लेकर, तीसरी टिप्स है मेरी ये हेयर बैंड्स को लेकर, और चौथी टिप्स है मेरी ये लिपस्टिक को लेकर। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स बहुत पसंद आएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ नई किचन टिप्स लेके आई हूँ जो हमारे कामों को बहुत आसान कर देंगी और हमें उन कामों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले टिप्स है मेरी इस तरीके का टेप यूज़ करने की। हम लोग टेप यूज़ करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर जब हमको दोबारा इस्तेमाल करना होता है तो उसका सिरा हमें नहीं मिलता। इसको के लिए मैं बहुत अच्छी टिप्स आपके पास साथ लेके आई हूँ। इस तरीके से हम छोटी सी सीख का टुकड़ा काट लेंगे और इस सीख के टुकड़े को इस तरीके से टेप के सिरे पर लगा देंगे। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इस टेप को यूज करेंगे तो हमें ये सीख का टुकड़ा मिलेगा और हमें वहीं से आगे खोलकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं कलरफुल टेप में भी इस तरीके से टिप्स यूज कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कलर वाला टेप है। इस टेप को ऐसे हम लोग खोल कर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जल्दबाजी में हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमें टेप की फिर ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसका सिरा नहीं मिलता है। इसके लिए मैं बहुत कामदार टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके की छोटी सी सीख का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, उसको इस तरीके से बीच से तोड़ लीजिए। या आप कैंची से काट लीजिए। आपके पास इस तरीके की एक स्टिक्स छोटी सी तैयार हो जाएगी, वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप टेप यूज करेंगे तो आपको टेप का सिरा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी टिप्स है हमारी ये माचिस के डिब्बियों को लेकर। ये देखिए, मैंने एक खाली माचिस की डिब्बी ली है और एक ये भरी माचिस की डिब्बी ली है। होता क्या है, हम लोग पूजा घर में पूजा करते हैं, जल्दबाजी में पूजा कर आरती जलाने के बाद आरती भगवान जी की आरती उतारते समय तीली को हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। वो तीली हम लोगों के कभी पैर में लग जाती है, कभी चुभ जाती है, इससे हमें बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए मैं एक टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो टिप्स है मेरी, इस तरीके से हम दो माचिसों को एक साथ ऐड कर लेंगे। एक हमारी खाली है, एक हमारी भरी है। अब होता क्या है, हम लोगों ने खाली माचिस इस्तेमाल करी, ये देखिए मैच बॉक्स यूज किया। मैच बॉक्स यूज करने के बाद उस तीली को ऐसे बुझाकर हम खाली वाले मैच बॉक्स में इकट्ठा करते जाएंगे। जब हमारी डिब्बी भर जाए तो हम इस मैच बॉक्स को, खाली वाले मैच बॉक्स को हटाकर इस तरीके से डिब्बी उसकी सीखे खाली करके इसको फिर से जोड़कर इसको फिर से इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये मेरी दूसरी टिप्स है। तीसरी टिप्स है मेरी इस तरीके से लिपस्टिक को लेकर। हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं त्यौहार में, कहीं जाना होता है पार्टीज में, हमको लिपस्टिक छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। वो लिपस्टिक छुड़ाते छुड़ाते हम लोगों के दाग पड़ जाते हैं। उसके लिए हम एक आपके लिए बहुत अच्छी और आसान टिप्स लेके आए। इसी तरीके से लिक्विड लिपस्टिक लगाएं या हम लोग इस तरीके की लिपस्टिक यूज करें, छुड़ाने के लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। ये हमारे पास वैसलीन होती है। ये वैसलीन आपकी किसी भी ब्रांड की हो सकती है, उसको आप इस तरीके से हाथों पर लगाकर और किसी भी कपड़े से रब कर देंगे तो ये आपकी लिपस्टिक आराम से छूट जाएगी और हम लोगों के निशान भी नहीं पड़ेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हाथ से छूट रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं कपड़ा रखना भूल गई हूँ, इसको आपको मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, हम कपड़ा रखने भूल गए थे, इसलिए मैं ये टिप्स आपको फिर से रिपीट करती हूँ। ये देखिए, ये हम लोग इस तरीके से लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करते हैं, इस तरीके से, और इस तरीके से ये मैट वाली यूज़ करते हैं। लिपस्टिक कोई भी आप यूज़ करें, उसको रिमूव करने में, छुड़ाने में हम लोगों के होठों पर निशान पड़ जाते हैं, बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। उसके लिए सबसे आसान टिप्स है, इस तरीके से आप वैसलीन, ये वैसलीन है हमारी, ये किसी भी ब्रांड की हो सकती है, आपके पास हो वो, आप इस तरीके से अपने लिप्स पर कोट कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कपड़े से, कॉटन से, कपड़े से पोंछ कर इस तरीके से रिमूव कर सकती है। देखिए, ये मेरा बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो गया, और किसी भी तरीके की इचिंग या प्रॉब्लम लिप्स को साफ करने में नहीं होगी। दोस्तों, ये मेरी सेकेंड टिप्स है। अगर आपको मेरी टिप्स, थर्ड टिप्स है, ये अगर टिप्स आपको पसंद आए तो वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थर्ड टिप्स है हमारी इस तरीके के हेयर बैंड्स को लेकर। ये हेयर बैंड्स हम लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जब ये हेयर बैंड्स ऐसे लूज हो जाते हैं तो ये हमारे बिल्कुल किसी काम के नहीं होते। इसको यूज़ करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपके सामने शेयर करने जा रही। इस तरीके से ये दो हेयर बैंड लीजिए, इनको एक दूसरे के अंदर डालकर और इस तरीके से आप फंसा दीजिए, तो ये एक तरीके से नॉट सी बन जाएगी, और इसी तरीके से आप इनको एक दूसरे के साथ जोड़ती जाइए। नेक्स्ट में भी जोड़ देंगे इसी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप जोड़ती जाइए। ये देखिए, एक के ऊपर एक, एक ऊपर रखा, एक नीचे रखा, और इसको नीचे वाले को ऊपर वाले के नीचे से निकाल दिया। इस तरीके से एक रस्सी की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। हम किसी भी तरीके से, यदि आप सफ़र पे जा रहे हैं तो भी आप इस तरीके की रस्सी बनाकर लेके जा सकते हैं। आपको कहीं भी कपड़े सुखाने हैं, ये इसका ये बहुत ज़्यादा खींचती है, इस तरीके से आप इसकी एक डोरी सी बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पर आप कपड़े सुखा सकती हैं, हैंगर लटका सकती है, बाथरूम में टांग सकती है। ये देखिए, ये मेरी कितनी बड़ी बनकर रेडी होती है। ये देखिए, इसके अंदर कितना इलास्टिकिटी होती है। आप सफ़र में जा रहे हैं, इस तरीके से आप बनाकर लेकर जा सकती हैं। एक तरफ इधर फंसा दीजिए, एक तरफ इधर फंसा दीजिए, और इस पर आप कपड़े सुखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे अच्छे से नए वीडियो के साथ। आपको मेरी चारों टिप्स में से जो टिप्स पसंद आए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक ऐसे अच्छे से नए वीडियो के साथ। प्रणाम जी, राधे राधे।